हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पीस लिली के इस पौधे को रिपोर्ट करके दिखाऊंगी। ये देखिए, इस पौधे को मैं नर्सरी से लेके आई थी। और जब हम नर्सरी से कोई भी पौधा लेके आते हैं तो वो या तो लाल मिट्टी में लगा हुआ होता है या चिकनी मिट्टी में। मेरा ये पीस लिली का प्लांट रेड सोयल में लगा हुआ है, और रेड सोयल में जो भी प्लांट लगा हुआ होगा वो गर्मियों में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और अब गर्मियाँ आ रही हैं, इस पौधे को मेरे पास लेके आए हुए लगभग एक महीना हो गया है। जब मैं इसे लेके आई थी तो इसकी सारी पत्तियाँ जली हुई थी, तो मैंने यहाँ से उन्हें कट कर दिया था। और अब इसमें अच्छे से ग्रोथ हो रही है। ये देखिए, न्यू बेबी प्लांट निकल रहे हैं। ये वाला मैंने, ये लीव्स सारी जली हुई थी तो इनको कट कर दिया था, और मेरे यहाँ लाने के बाद ये अच्छे से चल रहा है। तो अब मैं इसे रिपोर्ट करूंगी, क्योंकि ये रेड सोयल में लगा हुआ है, और अगर मैं ऐसे ही इस पौधे को रखूंगी तो ये गर्मियों में मर जाएगा। चलिए इसे बाहर निकाल लेती हूं मैं। ये देखिए कितने अच्छे से इसकी रूट फैली हुई हैं। और मैं इसे बाहर निकालने के लिए, रेड सोयल को इसे अलग करने के लिए इस पानी में डिप कर दूंगी। ये देखिए कितनी आसानी से ये अलग हो गई मिट्टी, क्योंकि मैंने इस पॉट में रात को पानी डाल दिया था। और अभी इसमें आप देख सकते हैं एक और छोटा नेट वाला पॉट है, मुझे इसे भी अलग करना होगा। मैं इसे अलग कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने इसे इस छोटे नेट वाले पॉट से अलग कर लिया है। मेरा एक यहाँ से प्लांट आप देख सकते हैं तो खराब हो गया है। ये देखिए इसकी रूट्स खराब हो गई हैं, मैं इसे निकाल दूंगी। मैं अपने इस प्लांट को एक बार इस फंगी साइड वाले पानी में डिप कर लेती हूँ। अगर इसमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह होगा, जैसे कि एक मेरा ये प्लांट सड़ा हुआ था यहाँ पे, तो वो हट जाएगा और दूसरे प्लांट सड़ने से बच जाएंगे। मैं इसे साइड में रख लेती हूँ। मैं इस प्लांट को लगाने के लिए वही पॉट यूज कर रही हूँ दोबारा से। मैंने इसे अच्छे से धो लिया है, और इसमें नीचे काफी बड़े बड़े होल हैं तो उनको कवर करने के लिए मैंने ये स्टोन रख दिए हैं। इससे ड्रेनेज भी अच्छा रहेगा और मेरी मिट्टी भी बाहर नहीं जाएगी। और इसके लिए जो मैं मिट्टी यूज़ करूँगी, 60% मैंने ये कोकोपीट लिया है, और 40% गार्डन सोयल लिया है, और थोड़ा सा ये मैंने सरसों की खली यूज़ कर रही हूँ। सभी को मिक्स कर लूँगी। ये मैंने तीनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मैंने कोकोपीट का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि इसे लाइट सोयल मीडिया ज़्यादा पसंद है, और ये एक इंडोर प्लांट है। और जो मैंने सरसों की खली डाली है वो एक फंजीसाइड का काम करेगी इसमें, और वो एक अच्छा फर्टिलाइजर भी है। मिट्टी डालने के बाद हल्के हाथ से इसे प्रेस कर लीजिए, इसमें कोई भी एयर पॉकेट नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो आपकी मिट्टी बाहर आ जाएगी जब भी आप इसमें पानी देंगे। इसे अच्छे से सेट कर लीजिए। अच्छे से इसे टैप कर देंगे, कॉर्नर से इसे मैं अच्छे से प्रेस कर दूंगी। और ये मैंने बारिश का पानी लिया हुआ है, और इसमें
फंजीसाइड मिक्स किया हुआ है। उम्मीद है जो भी जानकारी मैंने आपको दी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।